call okay? Hi, I'm Diksha. Hi, come. मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे रेपुटेशन के बारे में मैंने सुना है, बट यू डोंट वरी, उस बेसिस पर मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी। देखिए, आप मुझे जज करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आना ही नहीं था। यहाँ के स्टूडेंट सेंसिटिव हैं, इसीलिए उनके साथ डील करते समय तुम्हें पेशेंस की और अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। वो तो मुझ में है ही नहीं। मैं जाऊं? एक मिनट देखिए। मगर यहाँ पर तुम जो भी एक्सपीरियंस करोगी उसके बारे में मुझे लिखा हुआ अकाउंट चाहिए, और वो भी तुम्हारे अपने वर्ड में। What? क्यों? ये सब नहीं लिखने वाली मैं। This is time waste. रोज ये अकाउंट ऑफ द डे तुम मुझे सबमिट करोगी, और आज जो तुम्हें ये टाइम वेस्ट लग रहा है ना, वो कल तुम्हें अच्छा लगेगा। देखिए, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। गिव इट सम टाइम। हर नई जगह पर ऐसा ही होता है। तुम क्लास 12th की स्टूडेंट हो, इसीलिए तुम्हारी ट्रेनिंग भी 12th के स्टूडेंट के साथ ही होगी। क्लास का लीडर है मोहित, जो ठीक से सुन नहीं सकता और स्पीच में भी उसे थोड़ी तकलीफ है। तो बात कैसे करेगा? तुम्हें किसने कहा कि मुंह से बोलने से और कानों से सुनने से ही बात समझी जाती है? मोहित तुम्हें समझा दे। यस मैम। मोहित को बुलाना। ओके। ये मोहित है, ये गूंगा और बहरा नहीं, अंधा भी है। माइंड योर लैंग्वेज दीक्षा। अगर इस जगह तुमने ऐसा कोई भी वर्ड निकाला, इस कंट्री के किसी भी स्कूल या कॉलेज में मैं तुम्हारा एडमिशन नहीं होने दूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? तो चले सबसे। मोहित, तुम हमारे बेस्ट स्टूडेंट हो। दीक्षा को तुम्हारे साथ इसलिए भेज रही हूँ कि वो गुस्सा करना भूल जाए, हो सके तो उसे प्यार की भाषा सिखाओ। ये कैसी कैंटीन है? कैंटीन में भी कोई इतना चुपचाप बैठता है क्या? कैंटीन तो हमारे स्कूल की थी। शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, गुड रूल्स। यहाँ सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ सब क्या पागल हो? तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम्हें जो इतना आता है, हाउ इरिटेटिंग, पता नहीं कहां फंस गई हूं। पहले पूरा दिन स्टूपिड लोगों के साथ रहो, पर बचा कौन है? मोहित, इसे तो सुनाई तक नहीं देता था, और गिटार की साउंड। तुम्हें किसने कहा कि मुंह से बोलने से और कानों से सुनने से ही बात समझी जाती है? इसे तो मैं लेसन सिखाऊं, म्यूजिक भी और रूल्स तोड़ना भी। स्कूल में है क्या? अगर रूल्स नहीं तोड़े तो फिर क्या किया? क्लास ओवर, मैं गिटार बजाऊं। बच्चों, क्लास इज ओवर, नाउ यू कैन गो। उसे बेल सुनाई देती है? हाँ, मोहित पूरी तरह डेफ नहीं है, उसे पार्शियली सुनाई देता है। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी सुन नहीं पाते। एक्चुअली 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मोहित ने अपना इयररिंग लॉस किया था। पर क्लास खत्म हो गई ना? हाँ, यू कैन कंटिन्यू।
मोहित तो अपने गिटार में एज यूजुअल बिजी हो गया है। अच्छा बजाते हो, रात को सुना था मैंने। ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे भी बजाना आता है, गिटार दो। ए हेलो, नाटक क्या कर रहे हो, गिटार गिटार दो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मिस रिक्शा? क्या कहा? रिक्शा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बहुत स्मार्ट समझते हो अपने आप को, ये तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर है। गॉड, यू आर सो लेम। अब घूर क्या रहे हो, शर्म नहीं आती क्या? क्या देख रहे हो, सब पागल है यहाँ पे। कहाँ फंसा दिए इन अजीब से लोगों के बीच में? कभी कोई पेरेंट्स अपनी बच्ची को ऐसे लोगों के पीछे भेजेंगे? तुम हमेशा स्टेयर करते रहते हो। और वो मोहित तो सबसे बड़ा क्रीप है। पर मॉम डैड को क्या है, वो तो दुबई में एंजॉय कर रहे हैं ना अपना डायमंड एक्सपो। वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि अकेले रहना क्या होता है। एक भी फ्रेंड नहीं है मेरा यहाँ। हाय रिक्शा, तुम मुझे मार क्यों रही हो? आधी रात को दरवाजा नॉक कर रहे हो, पूछ रही हो तो बता नहीं रहे हो और बोल रहे हो मार क्यों रही हो? क्या कर क्या रहे हो इस वक्त? तुम सुबह भाग चली थी ना, तो मैं सोच रहा था ऑल ओके। आधी रात को ये पूछने आया, सब पागल है यहाँ पे। ऐसे क्या देख रही हो मुझे घूर घूर के? तुम्हारे लिप्स घूर रहा हूं। क्यों? क्यों? वो तुम्हारे लिप्स रीड करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम साइन लैंग्वेज यूज नहीं करती ना तो, और फास्ट फास्ट बोलती हो। ये बार में पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। रिक्शा, तुम कुछ बोल रही हो समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें सच में कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता? लेकिन सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत क्यूट हूं। हाँ बहुत क्यूट हो। चलो जाओ यहां से, चलो कल मिलेंगे, गुड नाइट। आया बड़ा क्यूट गएगा। तो रिक्शा, तुम यहाँ आई क्यों? एक मिनट, तुम मुझे रिक्शा क्यों बुलाते हो? मेरा नाम दीक्षा है। दीक्षा? दीक्षा। मैं लिप रीड कर रहा था तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। सॉरी। ओह, तुम्हें हर बात लिखने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे बोलो, मैं समझ जाऊंगा। ओके।